सासाराम के विभिन्न छठ घाटों का DMSP ने किया निरीक्षण। रोहतास जिले के जिला मुख्यालय सासाराम के विभिन्न छठ घाटों को SP आशीष भारती एवं जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण। वहीं जिले के पुलिस कप्तान आशीष भारती ने बताया कि छठ पूजा की तैयारियों में समीक्षा हेतु जिला मुख्यालय सासाराम में स्थित विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गए और उन्होंने बताया कि सभी छठ घाटों पर महिला पुलिस बल की नियुक्ति किया जाएगा और उन्होंने बताया कि सभी छठ घाटों को सह समय से सफाई किया जाए। लोक आस्था का महापर्व छठ का पर्व अभी आगामी 30 और 31 तारीख को है, अर्घ है और इसको लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी जो घाटों पर पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, खास करके महिला पुलिसकर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी जगहों पर लाइट के लिए, पर्याप्त लाइट के लिए हम लोग समन्वय बना करके सुनिश्चित कर रहे हैं तथा PA सिस्टम सभी घाटों पर सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है और जहाँ जहाँ पर ये डूबने का खतरा है वहाँ पर उसका निशान वार्निंग लगाने के लिए निर्देशित किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग शांतिपूर्वक माहौल में छठ पूजा को संपन्न। संबंधित थाना क्षेत्रों में सर गश्ती के लिए भी कुछ निर्देश दिया गया? बिल्कुल हम लोगों, क्योंकि ये जो छठ का पर्व होता है वो शाम में और सुबह में इसमें ज़्यादा भीड़ होती है घाटों पर, तो इसको लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है कि विशेष वहाँ पे गश्ती करेंगे और खास करके जो जिस दिन सुबह वाला अर्घ होगा उस दिन सुबह 2 बजे से ही सभी लोग अपने अपने प्रतिनियुक्त स्थान पर प्रतिनियुक्त रहेंगे।